वेलकम फ्रेंड्स, आपकी जीरो लेवल की गणित की क्लास शुरू हो चुकी है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड। कल की क्लास में आप लोगों ने अपवर्त पढ़ लिया था, है ना। अपवर्त क्या होते हैं और गुणनखंड क्या होते हैं, जैसा कि ध्यान दीजिए, अगर हमने लिखा चार बराबर इसके आगे चार, बारह, आठ, सोलह, तो ये सभी जो है वो क्या है, आप बताइए ये सभी क्या है। ये चार के गुणनखंड है कि अपवर्त है जो मैंने घेरा है? गुणनखंड मतलब ये जो मैंने घेरा हुआ है ये गुणनखंड है चार के, है ना। चार एकम चार हो जाए चार। अच्छा ठीक है, मैंने अगर चार बराबर दो गुणा दो लिखा तो क्या होगा ये? अब ये क्या है, चार के गुणनखंड है कि अपवर्त है? इन दोनों में से एक ही तो गुणनखंड होगा, या तो ये गुणनखंड है चार के या तो ये, कौन सा निचल अपवर्त है? दिमाग आपको उल्टा चल रहा है। देखिए इधर पहले, ये जब हम लोग काटते हैं ऐसे करके, आप लोगों ने देखा होगा ये तो कैसे होता, दो दुना चार, दो एक कम दो, होता है ना ऐसे। तो ये जिस जिस नंबर से कटता है ये क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं, यानी कि चार के गुणनखंड दो गुणे दो, ठीक है, ये क्या है, गुणनखंड है। बाकी अपवर्त क्या होते हैं, जो उस संख्या के पहाड़ा कहलाते हैं एक प्रकार से, ठीक है। अपवर्त का मतलब ये होता है कि उस संख्या से भाग देने पर ये संख्या पूरी पूरी कट जाए, मतलब चार से भाग करें तो ये सभी कट जाए आपस, मतलब जीरो आ जाए, आएगा ना। लेकिन इस गुणनखंड का मतलब होता है कि गुणनखंड में जितने भी अंक आए हैं उनसे अगर प्रत्येक से हम अलग अलग भाग दें तो ये कट जाए, उसका जस्ट उल्टा होता है, समझ में आया। ये अपवर्त और गुणनखंड होता है, बहुत छोटी चीज है ये, लेकिन अगर आपका मैथ में अभी बिल्कुल कमजोर है बेसिक का, तो आप बेसिक के लिए जीरो लेवल क्लास अवश्य देखें। जल्दी से इस क्लास को लाइक कर दें और फिर आगे चलते हैं। ऑप्शन इनमें से कौन सा होगा बताइए, दो धन दो करेंगे तब भी चार हो जाएगा, दो गुणा दो करेंगे तब भी चार हो जाएगा, ये भी चार हो जाएगा, ये तीन हो जाएगा। इनमें से कोई बताए जल्दी से कौन सा सही है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। देखिए गुणनखंड अभी मैंने आपको करके दिखा दिया था, ये चार का दो दुना चार और ये दो एक कम दो, यानी कि चार बराबर आप लिखेंगे दो गुणा दो, ये गुणनखंड है दो गुणा दो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ये तो बिल्कुल बेसिक संख्या का था, एकदम छोटी संख्या का। किसी संख्या को जिन जिन संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित किया जा सके वह गुणनखंड कहलाती है। जल्दी से लिख लीजिए इसको, किसी संख्या को, ये बेसिक कॉन्सेप्ट सभी के लिए महत्वपूर्ण है, किसी संख्या को जिन जिन संख्या से पूर्णतः विभाजित किया जा सके वे गुणनखंड कहलाती हैं। ये हो गया गुणनखंड की परिभाषा, जबकि अपवर्त इसका जस्ट उल्टा होता है। इसको भी लिख लीजिए, क्योंकि ये दोनों आपस में, इन दोनों में 36 का आंकड़ा होता है और आप लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, गुणनखंड और अपवर्त में। ये मैंने गुणनखंड लिखा है, थोड़ा जल्दी में मैंने गड़बड़ लिख दिया, तो आप लोग इसे साफ साफ लिखिएगा। अपवर्त क्या होता है, अपवर्त किसी भी संख्या का पहाड़ा होती है, मतलब उसी संख्या की पहाड़ा को उसका अपवर्त बोलते हैं। देखिए अभी आप पढ़ेंगे महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त, जो कि इसी से संबंधित होता है अपवर्त। एक आप अभी केवल अपवर्त पढ़ रहे हैं, ना तो महत्तम पढ़ रहे हैं ना तो मिनिमम पढ़ रहे हैं। नोट कर लिए, जल्दी से वीडियो को टच करें और रोक लें और फिर लिख लीजिए। देखिए आपकी क्लास कभी छोटी होती है कभी बड़ी होती है, टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है। एक घंटे की भी क्लास होती है, तीन घंटे की भी होती है और दस मिनट की भी क्लास होती है। अधिकतर आपने देखा होगा 10 से 15 मिनट की क्लासें होती है इस समय, है ना। तो जैसे ही सिस्टम सब कुछ सही होता है फटाफट आपकी क्लास फिर से होने लगेंगी, बड़ी बड़ी क्लासें। एक दूसरा सवाल, 12 के गुणनखंड होंगे, जल्दी से सभी लोग बताएं, आप सभी को लगभग आता होगा 12 के गुणनखंड 3 × 4, 2 × 2 × 3, 3 × 2 × 4,
तीन गुणा सात गुणा दो, 12 के गुणनखंड क्या होंगे इन दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा सबसे सटीक होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। वैसे तो इसमें काफी सही है, कौन सा? बी। बी बी यानी कि दूसरा नंबर। हाँ ठीक है, जल्दी से बताइए, और भी कोई है कमेंट करके बताएं, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं चुपचाप। देखिए गुणनखंड तो इसमें अगर कहा जाए तो तीन दूना छह चौक चौबीस, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये भी है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है उसको देखिएगा। अगर हम गुणनखंड करते हैं एक सामान्य तरह से जो बेसिक नियम होता है, तो दो से काटेंगे और फिर तीन से काटेंगे, दो दूना चार यही बारह, इसमें देखिए तीन चार का गुणा इकट्ठा कर दिया गया है, मतलब ये एक अच्छी तरह से गुणनखंड नहीं है। क्यों? क्योंकि चार को आप दो गुणा दो लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वैसे अगर कहीं बी नंबर नहीं है तो आप इसको सही कर सकते हैं, तीन गुणे चार वो भी सही है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ गई तो इसमें आप इसी को सही करेंगे क्योंकि ये ज्यादा क्लियर है। ठीक है, तो गुणनखंड में कभी कभी ये दिक्कत होता है कि जब बड़े नंबर आते हैं तो कैसे करते हैं, ये छोटे नंबर तो आप सभी लोग लगभग कर लेते होंगे, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को इसमें भी काफी मुसीबत होती है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 24, तो 24 के गुणनखंड क्या होंगे ये आपको याद होने चाहिए, लगाने को तो सभी लगा लेते हैं। देखिए दो गुणा दो गुणा तीन, एक बार अभी और दो रहेगा, फिर गुणा पांच, दो गुणा दो गुणा पांच गुणा तीन, दो 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 तीन, या फिर दो गुणा पांच गुणा तीन गुणा दो, इसमें कौन सा सही होगा? देखिए सिंपल सी बात है, इसमें ए बी सी डी कुछ भी सही हो आपको तरीका मालूम होना चाहिए, संख्या चाहे दो हो चाहे दो लाख हो, सेम प्रोसेस होता है, आपको तरीका सीखना है, क्वेश्चन नहीं रटना है, क्योंकि किसी भी परीक्षा में सेम टू सेम सवाल नहीं आते और ना ही मिले वो। तो देखिए ये आप करेंगे कैसे गुणनखंड, इसका बेसिक कांसेप्ट देखिएगा, सिंपल सी बात है, किसी भी संख्या को पहले हम दो से ही काटते हैं और तब तक काटते हैं जब तक कि वो कटती जाए, तब तक काटते हैं, जीरो ना आ जाए। ठीक है, तो आप इसे दो से काटते जाएंगे, फटाफट आगे बढ़ते जाएंगे, कितना आएगा आप जानते हैं कि दो से काटेंगे तो 24 का आधा कितना होगा 12, फिर दो से काटेंगे तो 12 का आधा 6 होगा, फिर दो से काटेंगे 6 का आधा 3 होगा, फिर दो से काटेंगे तो 3 का आधा 1.5 होगा, 1.5 लिख नहीं सकते यहाँ पॉइंट में नहीं लिखेंगे, इसलिए इसको हम दो से नहीं काट सकते, अब इसे हम 3 से ही काटेंगे, 3 एक कम 3, इस तरह से 3 बार 2 आएगा, 1 बार 3 आएगा और ये सी वाला सही कहलाएगा। ये अगर आप लोग गुणनखंड सीख जाते हैं तो आप एलसीएम एचसीएफ सीख गए, क्योंकि जब लासा मासा निकालते हैं जिसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं तो ये प्रक्रिया करके गुजरना पड़ता है, बहुत से लोगों को इसी में नहीं आता, अटक जाते हैं तो फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल सा, अब आप लोग एक और बताइए जल्दी से फटाफट कुछ बड़ा, ये तो बहुत आसान होता है, इसको तो सभी लोग कर लेते हैं, इसमें से 99% लोग कर लिए होंगे, लेकिन अगर अब आप लोग कर लीजिए तो फिर जाने कि यहाँ कौन सा होगा किसका होगा। 121 के गुणनखंड, पहला ऑप्शन है 11 गुणा 12, पहले सभी ऑप्शन लिख देंगे तभी बोलिएगा कोई भी, 13 गुणा 10, 14 गुणा 14, 12 गुणा 12, इसको लगभग सभी लोग जानते होंगे, रटे रटाए हैं आप लोग, बताइए जल्दी से। एक भी नहीं होगा, इसमें एक ऑप्शन और भी दे दें क्या, नॉन ऑफ दीज। हाँ ठीक है, देखिए अगला ऑप्शन जो है आपके सामने 13 गुणा 13, 12 गुणा 14, 11 गुणा 11, और डी वाला है ना 14 गुणा 14। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप 121 को ऐसे लगाएंगे ना, जैसे कहते हैं ना ये हराई फंदाएंगे यहाँ पे, तो कैसे आएगा ये, दो से कटेगा, तीन से कटेगा, चार पांच छह सात आठ नौ दस तक आप काटते जाएंगे, ये कभी भी नहीं कटेगा क्योंकि ये एक सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है ना, आप काटेंगे एक से लेकर दस तक कंप्लीट नहीं कटेगा। नहीं तो ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या हर्ज है, ये देखिए
मैंने इसको सात से ट्राई किया, सात एकम सात, पांच आया घटाने पे एक उतारा, सात अठे छप्पन, सात सता उनचास आया, दुई आया, शेष फल आ गया। ऐसे किसी से भी काटेंगे नहीं कटेगा, हमें ये रटा रटाया इसलिए हम आपको बता रहे हैं 11 से कटेगा और आपको भी रटा रटाया हो जाना चाहिए। एक बात याद रखिए आप सभी लोग, वर्ग जो है वो एक से लेकर के और कम से कम 20 तक तो मिनिमम याद कर लीजिए। वर्ग यानी स्क्वायर, जैसे कि 11 का वर्ग जो है वो 121 होता है, ये जिन लोगों ने रटा रहा होगा याद रहा होगा वो लोग इसको फट से बता देंगे, है ना। उसी तरह से 12 का वर्ग कितना होता है जल्दी से कमेंट करके बताइए, आप लोग बताइए कितना होता है। 44 तो नहीं होता है, 144। हाँ 144 हो सकता है, जैसे कि गुणा करके देखेंगे उसको दो बार। तो देखिए अगला सवाल, एक मैंने मिटा दिया, इधर लिखा था ना 169। अब इसी तरह से अगर आप एक संख्या लिखे यहां पर, अगर आपने वर्ग नहीं याद किया तो आप गुणनखंड कतई नहीं कर पाएंगे। 361, 361 के गुणनखंड देखिए आप करके जल्दी से। पहला है 18 गुणा 18, दूसरा है 12 गुणा 12, ये 19 गुणा 19 और 17 गुणा 17। जो रटा रटाया होगा वर्ग याद किया होगा उसको कंफर्म ही आ जाएगा। जल्दी से नोट करिए फटाफट और ऑप्शन बताइए, जल्दी करें। हो गया, हो गए सभी के कमेंट्स, तो इसको जल्दी से छाप लें फटाफट और याद कर लेंगे क्योंकि इसको हम सुनेंगे कल, जो लोग याद किए रहेंगे। बताइए जल्दी से 17 का वर्ग कितना आएगा, 16 का कितना आएगा, 17 कितना आएगा। सर इसके आगे भी याद ही नहीं है, इसके आगे याद ही नहीं है। 16 में कितना होगा देखिए, ऐसे सिंपल है गुणा कर लीजिए, 16 छक्का 96 पे 86 लाया, 9 16 एकदम 16, 16 9 कितना होता है 16 4 20 5 25 256 होगा, ये 225 होगा, ये 289 होगा। उस तरफ 18 18 में कितना होगा, 18 8 144 के 4 हासिल आया 14, 18 एकम 18, 18 14 कितना होगा 32। अगर आपको पहाड़ा भी नहीं आता तो आप वर्ग नहीं कर पाएंगे फिर, और वर्ग रटा रटाया होना चाहिए। एक बार फिर से देख लें, 18 छक्का कितना होता है 108, 18 सत्ते 126, 18 अठे 144 हासिल आया 14, 18 एकम 18, 18 14 कितना होगा 18 12 30 और 2 32 सही है। तो 19 का कर लीजिए, ऐसे 19 का वर्ग करेंगे तो 19 नवैया कितना होता है, आप जानते हैं 19 दहम्मा 190 होता है, तो 19 नवैया 171, 171 की एक हासिल आया 17, 19 एकम 19, 19 17 जोड़ लीजिए, 19 में 11 जोड़ेंगे 30 हो गया, और उधर कितना बच रहा है, कितना होगा 36। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं, 20 का वर्ग करेंगे तो बिना पूछे आप 400 लिख सकते हैं। अगर आप 11 से 20 तक का वर्ग रटे रटाए रहेंगे ना तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लगभग के एक सवाल आप इसमें साल्व कर ले जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ये वर्ग अवश्य याद कर लेंगे, जिनको जिनको याद है वो लोग कमेंट करके बताएंगे। जल्दी से वीडियो को इसी पर रोक लें और फिर आगे देखें, इसको रटना नहीं है, इसको बस देखना है एक बार, एक बार सो करके उठना है तो देखना है, एक बार सोने से पहले देखना है, कोई भी चीज याद करना है याद हो जाएगा। क्योंकि जब हम लोग सोने लगते हैं ना, यानी कि नींद में आते हैं, उसके पहले क्या होता है, जो भी दिन में पूरा प्रोसेस हुआ रहता है दिन भर वो तो याद नहीं रहता है, लेकिन जो चीज हम पढ़ करके या सुन करके लेटते हैं वो सोने के बाद यानी लेटने के बाद दिमाग में आता है और लगभग में चीजें याद हो जाती हैं। जैसे आप कोई गाना सुन करके लेटते हैं या फिर कोई किताब पढ़ के लेटते हैं उसके बाद मतलब सोने जाते हैं, तो आपको वो बातें दिमाग में आपके घूमती रहती हैं और लगभग में वो याद हो जाती हैं। तो इस तरह से अगर करेंगे तो आप याद कर सकते हैं। उसके बाद जब सो करके उठें, जैसे उठें एक बार अपने पास में रखे रहें उसको देख लें, जैसे उठें तुरंत केवल एक बार देख लें, बस ये ना सोचें कि सोएं याद करें, ये सोचेंगे टेंशन हो जाएगा, याद मत करें, केवल देख लें एक बार बस चले जाएं, देखिए याद हो जाएगा। इन नंबर को आप नोट कर लीजिए, इस पर ज्वाइन लिख करके भेजिएगा अगर हर दिन की क्लास चाहते हैं तो, क्योंकि आप लोग देखते होंगे लगभग की क्लास आपको यूट्यूब पर दिख रही है, तो कुछ लोगों को ये बड़ा नया सा लग रहा होगा कि भाई रोज ही लिखते हैं इसका कोई मतलब नहीं होता है,
लेकिन आप देखेंगे तो बीच बीच की क्लास गायब हो जाती है, फिर उनको आप नहीं पाएंगे। ठीक है, pvrstudy.com पर अवश्य विजिट करें, जिससे कि आप लोग अपनी पढ़ाई से संबंधित समस्या का समाधान कर सकें। और pvr study को फेसबुक पर अवश्य लाइक करें, जिससे आप ये क्लास फेसबुक पर भी देख सकें। जी, अगर आप इस क्लास को फेसबुक पर ही देख रहे हैं अभी इस टाइम पे, तो आप यूट्यूब पर जाएं या गूगल पर सर्च करें pvr study, और यूट्यूब को यानी कि pvr study को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक दी गई है उनको सबको फॉलो करें और कॉन्टेक्ट करें। एक बार फिर से थैंक यू। कृपया इस क्लास को अपने मित्रों में शेयर करके जाइएगा। फिर से आपकी एक नई उम्मीद की क्लास होगी ट्रिक वाली मैथ, रात्रि 8 बजे से, उसे भी देखिएगा। और इंग्लिश की क्लास भी जल्दी ही शुरू होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।